चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी की कई महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। सीएम नायब सिंह सैनी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सोमवार के शाम की अगर बात की जाए 5 बजे की, तो मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। इसके अलावा शाम 7 बजे जो अगली बैठक होनी है, वो बीजेपी विधायकों के साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बैठक के बाद विधायकों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री रात्रि भोज भी करेंगे, यानी डिनर भी करेंगे। तो ये डिनर का कार्यक्रम भी होगा रात को। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ में, आपको बता दें कल भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। सीएम नायब सिंह सैनी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सोमवार शाम 5 बजे की अगर बात करें, तो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर ही मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा करते नजर आएंगे, बातचीत करते नजर आएंगे। शाम 7 बजे आपको बता दें बीजेपी विधायकों के साथ बैठक होगी। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे चंडीगढ़ से विशेष संवाददाता। रवि, ये जो बैठकें होनी जा रही हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाए, किस नजरिए से देखा जाए? बिल्कुल विनय, देखिए कल चंडीगढ़ में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी मंत्री और विधायकों के साथ ये बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी सबसे पहले मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। इसके बाद देर शाम 7 बजे के आसपास बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री विधायकों और मंत्रियों के साथ रात्रि भोज करेंगे, यानी कि डिनर करने वाले हैं। इस दौरान जो बैठकें होंगी, उस बैठकों में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी, किस प्रकार से लोगों के बीच जाया जाए, किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें लोगों को संपर्क साधा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में रणनीति जो है वो तय की जाएगी। इसके साथ साथ जिन इलाकों में थोड़ा बहुत विरोध की जो खबरें आ रही है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक में चर्चा की जानी है, ताकि तमाम जो विधायक हैं जी, उन विधानसभा क्षेत्रों के जो लोग हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत की जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं आने वाले जो समय में चुनाव होने हैं तो उसको लेकर बेहतर रणनीति जो है उस दौरान बनाई जा सके। और कहीं ना कहीं तमाम वो मुद्दे, तमाम वो बातें जो है यहाँ बताई जाएंगी कि 2024 के जो चुनाव होने हैं उनमें किस प्रकार से विजन भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है, उस तमाम विजन को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाया जाए, तो उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठकें मानी जा रही हैं जी। और रवि, ये विधायकों और मंत्रियों के अलावा भी क्या और कोई जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायकों की बात करें या पूर्व कोई सांसदों की बात करें, कोई और मौजूद रहेगा? देखिए, ये मंत्री और विधायकों के साथ ही बैठक रहने वाली है विनय, और कहीं ना कहीं तमाम जो मंत्री और विधायक है ये अपने अपने क्षेत्र में जाके तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनके साथ ये बैठक करेंगे और आगामी रणनीति जो इस बैठक में जो बनेगी उसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आएंगे और वो रणनीति उन कार्यकर्ताओं को भी समझाते हुए नजर आएंगे कि किस प्रकार से चुनाव में के लोगों को साधने का प्रयास किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैंने बताया अभी आपको कि कहीं कहीं जो विरोध की खबरें जो सामने आ रही है, उस विरोध से कैसे निपटा जाए, कैसे अपने प्रत्याशी को मजबूत किया जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं को बाद में तमाम मंत्री और विधायक मूल मंत्र भी देते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि आपका। तो आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो होंगी वो मानी जा रही है और ये बैक टू बैक बैठकें होंगी। कल शाम की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री चंडीगढ़ आवास पर अपने मंत्रियों से और साथ ही विधायकों के साथ चर्चा करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ये बैठकें लोकसभा चुनाव के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।